कलाकार के तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। पहली मेरी जो पहली पिक्चर थी तू ही तो जाने रहा था, जिसमें उसका सेकंड पार्ट है, और अच्छी बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस पिक्चर से। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, काम पसंद आ रहा है, गाना पसंद आ रहा है लोगों को, बहुत अच्छा लगा। किस तरह का किरदार है और क्या फिल्म की कहानी क्या है? पिक्चर में जो किरदार है वो एक बेसिकली मतलब जैसा मेरा एज है 21-22 का, तो ऑब्वियसली इतने साल का जो 21-22 का एज का लड़का है वो मतलब कॉलेज जाएगा या पढ़ाई करेगा या प्यार हो गया तो हो गया, तो सेम चीज़ हमने इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। जैसे प्यार हो जाता है राधा से उसको वापस, और फिर कैसे वो प्यार को पाता है अपने, पूरी कहानी उस पर बेस्ड है। आप सिंगर भी हैं तो कितने गाने इस फिल्म में आप गाए हैं? मैं बेसिकली सिंगर तो वो नहीं, गा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, बाथरूम वाले सिंगर थोड़ा थोड़ा गा लेता हूँ। इस पिक्चर में मैंने एक भी गाना नहीं गाया। तो जो आपने गाना गाया वही दो लाइन हो जाए, आपके जो गाने हिट, एक दो गाने बालपन से लेके अब तक जो अब तक चर्चा का विषय बना हुआ वो गाना वही सुना दीजिए। एक इस पिक्चर का बहुत ही प्यारा गाना मैंने अभी अभी नीचे गा रहे थे, वो जुबान पे बार बोलूँ जी क्या, वही वही गा देता हूँ। तोहरा से नजरिया जब से लड़ल चैना कत हूँ पागल निकला गे न कुछ तोहरा सिवा रहे सूतल सनेहिया आपका जो एक गाना बड़ा हिट है आज भी है, मिली तो मिली ना तो जैसी आराम एक बार हो जाए मोजर धरी टिकोरा अहो जैब पागल जौने पाई ढेला चलाई जौने पाई ढेला चलाई लेके रही के ना मिली तो मिली ना तो माही जी के लिए क्या कहेंगे इनके लिए? माही जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जितनी खूबसूरत ये हैं उतनी खूबसूरती से काम किया है इन्होंने, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है इनका काम। माही आप ही कुछ बोलिए, क्या कहना? कितना गाने आपके लिए इन्होंने गाए? इन्होंने मेरे लिए गाने आई थिंक 4 सेट पे कितने गाने गाए? मैं तो सारा दिन गाना सुनता हूं और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मूवी सबको बहुत पसंद आ रही है। आपने राधा यानी तुम किशन को रिझाने के लिए क्या क्या जतन करना पड़ा था? मैंने तो आई थिंक कुछ किया नहीं, इन्होंने ही किया जो कि है, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ तो मुझे पता नहीं रहता है कि ये बहुत बड़े घर से है, देन फिर मुझे बाद में पता चलता है, तो जो भी किया है इन्होंने अपनी तरफ से किया, मैंने कुछ नहीं किया है। आपने क्या क्या किया ऑडियंस साथ देखा उस जो आपने कारनामे किया ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? बोलूँ सबसे पहले तो अच्छा काम आपने ये काम किया कि राम जी के लिए आपने गाना गाया ठीक है। राजू सिंह माही के लिए भी कुछ गाना चाहते हो? राजू सिंह माही जी मेरे लिए कुछ गा दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे सिंगर है। आप राजू सिंह माही जी गाना सुनाएंगे? बोलो जी को डायलॉग सुनाएंगे। अच्छा डायलॉग सुनाएंगे, डायलॉग सुनाएंगे। ऑडियंस तो काफी पसंद कर रहे हैं, बाकी इंडस्ट्री का पता नहीं। इस बार आपने लीग से हटकर कैरेक्टर किया, एक इमेज आपने तोड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नया करने को मिला और नया किया, क्योंकि काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं। देखिए जोड़ी हमेशा चलती रहेगी। आपकी हीरोइन संगीता तिवारी जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कैसे करें? जी हाँ, अभी आई थी पर कुछ उन्हें जरूरी काम भी था तो अभी जस्ट वो निकल गई। बहुत ही अच्छी उनका इस फिल्म में रहा मेरे साथ, और बहुत ही अच्छा रहा।
ये हमारे संतोष सिंह जी हैं प्रोड्यूसर साहब फिल्म के, मेरे बड़े भाई हैं, तो सब बोलेंगे आप लोगों से। किशन बोले, सबको शुभकामनाएं इस पिक्चर के लिए, सभी को शुभकामनाएं। और बहुत मेहनत से राजू जी ने बोलू जी किए हैं, अभी देखिए कैसे पिक्चर रिस्पॉन्स दे रही है। आइए, ये मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं, ये किशन राय जी इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस हैं और ये गदर 2 में काफ़ी अच्छे रोल में आ रहे हैं, तो आप बात करें। नमस्कार, मेरा नाम किशन राय है, इस फिल्म में मैंने एक कैमियो किया है और मेरी दूसरी फिल्म गदर 2 आने वाली है 26 जनवरी को, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग देखें और बहुत प्यार करें। सारे ऑडियंस सारे ऑडियंस और कुछ